नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव प्रोग्राम में। मैं हूं तन्वी खुराना और मैथ्स की इस क्लास में आज हम सीखेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट चैप्टर नंबर 2। और फोर्थ क्लास के सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएमई विद्या चैनल नंबर 4 के जरिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा भी एनसीईआरटी ऑफिशियल। अगर आपके पास कोई भी सवाल है इस चैप्टर से जुड़े हुए, इस विषय से जुड़े हुए, तो हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। लाइव चैट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए और हमें भेज दीजिए। हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो बहुत खुश होंगी आपके सभी सवालों का जवाब देके। तो आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। हमारे साथ हैं मिस पूजा सिंह। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। मैम हैं असिस्टेंट टीचर EDMC न्यू दिल्ली से। तो आप अगर हमें इस वक्त देख रहे हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ईमेल भी कर सकते हैं dth.class4@cit.nic.in पर, और अगर फ़ोन करना चाहें तो नंबर है 8800440559। अगर आप जानना चाहते हैं हमारे कार्यक्रमों के बारे में, इस पूरे हफ्ते में कौन सा कार्यक्रम किस समय किस विषय पर आने वाला है, तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, CIET या स्वयं प्रभा की वेबसाइट, जहां आपको सारी जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो आइए मैम से पूछते हैं कि ये जो लॉन्ग एंड शॉर्ट चैप्टर है उसमें आज आप और हम क्या सीखने वाले हैं। मैम नमस्ते। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 4 के चैप्टर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में, यानी लंबा और छोटा। आप इस कंसेप्ट को अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने देखा कि किस तरह से हम कुछ नॉन स्टैंडर्डाइज यूनिट और कुछ स्टैंडर्डाइज यूनिट का यूज़ करके हम किस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को या उनकी हाइट को मेजर कर सकते हैं। तो बस उसी टॉपिक को कुछ आगे बढ़ाते हुए हम आज के कॉन्सेप्ट्स को कुछ और अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू, कुछ स्टोरीज़ के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं छोटे से रिकैप से। तो मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट दूंगी या कुछ नाम दूंगी, आपको सिर्फ मुझे बताना है कि ये ऑब्जेक्ट्स की लेंथ हम किस यूनिट में नाप सकते हैं, यानी किस स्टैंडर्डाइज यूनिट में नाप सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3 यूनिट्स की, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ एक छोटी सी इरेज़र। आप मुझे बताइए कि इरेज़र की लेंथ अगर मुझे मेजर करनी हो तो मैं किस यूनिट में मेजर करूँगी। मैम आप स्टूडेंट्स के बिहाफ पे आंसर कर सकती हैं। मैम मैं फोर्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से आंसर करूँ? बिल्कुल। तो अगर मैं गलत आंसर करूँगी तो भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम इसे किलोमीटर में नाप सकते हैं मैम? किलोमीटर में, ओके। तो जैसे कि मैम ने कहा कि क्या हम इसे किलोमीटर में नाप सकते हैं, तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि सेंटीमीटर जो होता है वो सबसे छोटी यूनिट है किसी भी चीज़ को मेजर करने की। हमने सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर का कंसेप्ट पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जो छोटी चीज़ें होती हैं उन्हें हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। अब ये रबर तो बहुत छोटा है और किलोमीटर तो बहुत बड़ा होता है, तो इस रबर की लेंथ अगर हमें मेजर करनी है तो उसके लिए सेंटीमीटर यूनिट सबसे ठीक रहेगी, क्योंकि किलोमीटर में हम बड़ी बड़ी चीज़ें मेजर करते हैं, जैसे कि कहीं का डिस्टेंस या कोई भी बड़े डिस्टेंसेस जो होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट है ये पेन। तो जैसे कि ये पेन भी हमारे पास है और इसकी भी शेप छोटी ही है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में ही मेजर करेंगे। और अगर मुझे दिल्ली से मुंबई तक का डिस्टेंस मेजर करना हो तो हमें किस यूनिट में, कौन सी यूनिट सुटेबल है उसके लिए? अभी आपने बताया कि जब हम बहुत लंबा कुछ नापते हैं तो उसके लिए हम किलोमीटर यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमें लंबे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं तो उसके लिए हम किलोमीटर यूनिट का यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर मुझे अपनी हाइट मेजर करनी है, अगर बच्चों को अपनी हाइट मेजर करनी है, तो कौन सी यूनिट बेस्ट रहेगी? सेंटीमीटर। ये जो हाइट है हम इसको सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, जो हम अपनी हाइट नाप रहे हैं वो हम मीटर्स में भी नाप सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप सेंटीमीटर्स में उसका आंसर देना चाहो या मीटर में। तो ये था हमारा छोटा सा रिकैप हमारी प्रीवियस क्लासेस का, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम एक नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है गेसिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर अभी हमने यूनिट्स बताई थी कि हम किस चीज़ को, किस चीज़ की लेंथ को किस यूनिट में नापते हैं। अब हम ट्राई करेंगे कि चीज़ों की, ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को एस्टिमेट करना, यानी अंदाज़ा लगाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी लेंथ का है। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी इरेज़र से ही। तो मैम आप मुझे बता सकते हो कि ये इरेज़र की लेंथ
कितनी होगी अप्रॉक्सीमेटली, अंदाज़ा लगा सकते हैं? 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर। एक बार हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। हमारे पास है एक स्केल, तो अगर हम इसको स्केल से एक बार मेजर करके देखें तो ये कुछ आ रहा है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो यानी ये इरेजर जो है हमारी, ये 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब हम बात एक एस्टिमेशन और करते हैं इस पेन का, इस पेन की हाइट का अंदाज़ा लगाते हैं। तो मैम, इस पे आपको क्या लग रहा है, इस पेन की हाइट कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। ओके, 12 सेंटीमीटर। इसको भी हम मेजर करके देखते हैं, ये आ रही है कुछ अप्रॉक्स 14 सेंटीमीटर। तो मैम, आप यहाँ पर भी बिल्कुल सही हैं, मतलब अंदाज़ा ऊपर नीचे थोड़ा चलता है, बहुत अच्छे से एस्टिमेट किया आपने। इसी तरह से यहाँ पर एक छोटा सा और ये है, ये दो डॉट्स हैं, क्या इन दोनों डॉट्स के बीच में आप बता सकते हैं कितना डिस्टेंस होगा? 4 सेंटीमीटर। ओके, हम इसको भी एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो ये है 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये हमारी हो गई एक एस्टिमेशन की एक्टिविटी। तो आप भी बच्चों, जब भी अपने आसपास की कोई भी चीज़ें देखो तो ट्राई करो कि उसकी जितनी भी जो भी लेंथ है उनको आप एस्टिमेट करने का ट्राई करो, कि अंदाज़ा लगाओ कि ये चीज़ें कितने सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर्स की हो सकती हैं। अब मैम, मेरे पास बच्चों को और आपको सुनाने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। okay. तो मैं स्टार्ट करूँ स्टोरी? जी मैम। तो बच्चों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक हाथी रहता था जिसका नाम था जंबो हाथी। तो एक बार हाथी ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपने जंगल में एक रेस कंपटीशन रखें। तो उसने, जैसे ही उसको ये थॉट आया, उसने सारे जानवरों को अपने पास इनवाइट किया, उसने सभी जानवरों को बुलाया और देखते ही देखते सभी जानवर जंबो हाथी के पास आ गए। जंबो हाथी ने उन्हें बताया कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जंगल में एक रेस कंपटीशन हो, और जो भी आप में से रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हों, वो आज शाम को इसी फील्ड में आ जाएं और हम यहाँ पर वो रेस का कंपटीशन करेंगे। सभी एनिमल्स बहुत खुश हुए, सभी खुशी खुशी अपने घर चले गए और शाम को उसी जगह पर आकर दोबारा से इकट्ठा हो गए। जी, अब जंबो हाथी बोला कि मैं आपको गेम्स के थोड़े रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहले होगा राउंड वन। अब जो राउंड वन है उसमें होगी 100 मीटर रेस। ओके, ये राउंड वन का फील्ड है और इसमें ये 100 मीटर रेस होगी और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे मोंकू मंकी, टॉमी डॉग और किटी कैट। तो जंबो हाथी ने बोला कि ये जो रेस होगी ये 100 मीटर की रेस होगी, ये ट्रैक पूरा 100 मीटर का है। आप लोगों को जैसे ही मैं सिग्नल दूंगा आपको भागना है और स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है और फिनिशिंग लाइन पे जो भी सबसे पहले पहुंचेगा वो इस रेस का विनर होगा। सभी जानवर जंबो हाथी के इशारे का इंतज़ार करने लगे और जंबो हाथी के स्टार्ट बोलते ही रेस स्टार्ट हुई, सभी जानवरों ने भागना शुरू किया। थोड़ी देर बाद टॉमी की पोजीशन कुछ इस तरह थी, किटी इस पॉइंट पर थी और मोंकू इस पॉइंट पर था। टॉमी फिनिशिंग लाइन से 30 मीटर दूर था और किटी कैट टॉमी से 5 मीटर पीछे थी और मोंकू फिनिशिंग लाइन से 50 मीटर के डिस्टेंस पर था। तो सभी ये एस्टिमेट कर रहे थे कि सबसे आगे, क्योंकि टॉमी है तो टॉमी ही शायद जीतेगा। इतने में वहाँ पर आता है एक हिरन जिसका नाम था शेरी। वो जंबो हाथी से कहता है कि जंबो दादा, मुझे तो लगता है इस रेस में टॉमी ही जीतेगा क्योंकि वो सबसे आगे है। तो जंबो दादा ने कहा, देखते हैं रेस का, जब तक रिजल्ट नहीं आता हम कुछ कह नहीं सकते। तो जंबो ने पूछा कि शेरी, क्या तुम मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करोगे? जंबो ने कहा, शेरी ने कहा, हाँ बिल्कुल।
तो जंबो ने कुछ क्वेश्चंस शेरी से पूछे। उसने पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि टॉमी स्टार्टिंग लाइन से अभी तक कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, यानी अगर वो इस पोजीशन पे है तो वो कितना डिस्टेंस अभी तक कवर कर चुका है। तो शेरी ने कहा हाँ ये तो बहुत आसान है, क्योंकि ये मीटर, ये पूरा ट्रैक 100 मीटर का है और अभी भी टॉमी को 30 मीटर कवर करना है, तो इसका मतलब टॉमी 100 मीटर में से अगर हम 30 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी वो 70 मीटर अभी तक कवर कर चुका है। जंबो ने कहा बिल्कुल सही। फिर जंबो ने कहा कि क्या तुम बता सकते हो कि किटी जो है वो फिनिशिंग लाइन से टोटल कितने डिस्टेंस पर है, यानी किटी को फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए अभी कितना डिस्टेंस कवर करना है। शेरी ने कहा बिल्कुल मैं ये भी बता सकता हूँ। उसने कहा कि जो किटी है वो टॉमी से 5 मीटर पीछे है, यानी किटी का जो डिस्टेंस हुआ वो हुआ 30 मीटर प्लस 5 मीटर, क्योंकि वो 30 मीटर तो यही पीछे है और उसके बाद भी वो 5 मीटर पीछे है, तो इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस अभी उसको कवर करना बाकी है वो है 35 मीटर, यानी उसको फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए 35 मीटर का डिस्टेंस अभी और कवर करना है। जंबो ने कहा बहुत अच्छे। अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मोंकू किटी से कितना डिस्टेंस पीछे है। तो शेरी ने कहा हाँ ये भी बहुत आसान है, जैसे मुझे पता है कि फिनिशिंग लाइन से ये 50 मीटर दूर है और ये 35 मीटर दूर है, यानी मोंकू जो है वो फिनिशिंग लाइन से 50 मीटर माइनस 35 मीटर, क्योंकि हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इसीलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका आंसर आएगा 15 मीटर, यानी मोंकू किटी से 15 मीटर की दूरी पर है। तो जंबो ने कहा कि शेरी तुमने सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। फिर वो दोनों उनकी रेस एंजॉय करने लगे और थोड़ी देर बाद जैसे कि टॉमी सबसे आगे था तो वो इस रेस का विनर हुआ और सभी जानवरों ने सभी पार्टिसिपेंट के लिए क्लैपिंग करके उनका मनोबल बढ़ाया। अब इसके बाद जंबो ने कहा कि अब बारी आती है राउंड टू की, लेकिन राउंड टू के जो कुछ रूल्स हैं वो इस तरह से हैं कि अब होगी रेस सभी हिरनों की, यानी सारे डियर आएंगे। लेकिन जंबो बोला कि इस खेल में एक छोटी सी अलग चीज़ है कि जो डियर की रेस है वो 1500 मीटर की होने वाली है। तो शेरी बोला 1500 मीटर। शेरी ने अपने दिमाग में सोचा कि 1500 मीटर यानी हम इसको लिख सकते हैं 1000 मीटर प्लस 500 मीटर, और जैसा कि हम अपनी पुराने क्लासेस में पढ़ चुके हैं 1000 मीटर इक्वल होता है 1 किलोमीटर के, जैसा कि हम पुराने क्लासेस में पढ़ चुके हैं 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। तो यानी शेरी बोला कि इसका मतलब जो हमारी रेस है उसके लिए हमें 1 किलोमीटर और 500 मीटर दौड़ना होगा। जंबो ने कहा तुमने बिल्कुल सही पहचाना, आपकी रेस 1 किलोमीटर और 500 मीटर की है, लेकिन आपकी रेस इस ट्रैक पर नहीं होगी, आपको मेरे साथ एक दूसरी जगह चलना होगा जहाँ आपकी रेस होगी। पर मैम यहाँ जैसे आपने बताया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, इसका मतलब हुआ 500 मीटर इज इक्वल्स टू हाफ किलोमीटर। बिल्कुल। तो यहाँ क्या हम ये भी लिख सकते हैं 1.5 किलोमीटर? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हाफ किलोमीटर है और यहाँ पर 1 किलोमीटर, हम इसको 1.5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। जी, यानी 1 complete किलोमीटर एंड 1 half किलोमीटर। जी, तो यहाँ जैसे अब हमारे पास दोनों वेरिएशंस हैं तो क्या आसान होगा एक ही जो वर्ड है उसमें दोनों यूनिट्स का इस्तेमाल करना या एक डिजिट के साथ एक
यूनिट का इस्तेमाल करना? बिल्कुल, इजी तो यही रहेगा कि हम एक यूनिट ही यूज़ करें, लेकिन क्योंकि अभी क्लास फोर्थ है और क्लास छोटी है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा चीज़ों को तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखेंगे। हम उसकी क्लैरिफिकेशन देख रहे हैं कि किस तरह से 1500 मीटर को हम किस तरह से और सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं जी। वो बच्चे पढ़ेंगे, बट वो बच्चे आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो अब जंबो हाथी ने बोला कि सारे हिरणों की रेस जो होगी वो इस सर्कुलर ट्रैक पे होगी, यानी सभी हिरणों को इस सर्कुलर ट्रैक के आसपास भागना होगा जिसकी बाउंड्री 500 मीटर्स है। अब शेरी फिर से सोच में पड़ गया। उसने कहा कि जंबो दादा, आपने तो कहा था कि हमारी रेस जो है वो 1500 मीटर की है, फिर अब आप हमें बोल रहे हैं कि आपको ये 500 मीटर का ये ट्रैक सिर्फ कवर करना है। तो जंबो ने कहा कि मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो जंबो ने कहा कि जब आप एक राउंड यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इस रेस का, तो वन राउंड में आप कवर करेंगे 500 मीटर्स, और अगर आप इसी फील्ड का एक और राउंड लगाते हैं, यानी अगर आप दो राउंड लगाते हैं, तो दो राउंड में आप कवर करेंगे 500 मीटर प्लस 500 मीटर, यानी 1000 मीटर। और अगर आप इसी फील्ड का एक और राउंड लगाते हैं, यानी आप थ्री राउंड्स कंप्लीट करते हैं, तो फिर आपका डिस्टेंस हो जाएगा 1500 मीटर। तो जंबो ने कहा कि शेरी, तुम समझे कि तुम्हें अपनी 1500 मीटर की रेस कंप्लीट करने के लिए इस सर्कुलर ट्रैक के पूरे तीन कंप्लीट राउंड्स लगाने होंगे, तभी तुम्हारी रेस कंप्लीट होगी। शेरी ये सुनकर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर चला गया, और उसके बाद फिर रेस स्टार्ट हुई, और जैसे कि शेरी पहले से ही बहुत एक्साइटेड था, वो इस रेस में विनर भी रहा। अब फिर इसी के साथ राउंड सेकंड ख़त्म हुआ। अब जंबो हाथी आया राउंड थ्री के पार्टिसिपेंट्स को बुलाने। उसने सारे हॉर्सेस को बुलाया और कहा कि अब राउंड थ्री में हम हॉर्सेस की रेस करेंगे। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है कि ये जो हॉर्सेस की रेस होगी, ये सर्कुलर ट्रैक पे नहीं होगी, इसके लिए हम एक अलग फील्ड पर चलेंगे। okay. और वो फील्ड है ये स्क्वायर फील्ड है। और जंबो हाथी ने कहा कि इस स्क्वायर फील्ड के सभी घोड़ों को चार चक्कर लगाने हैं, यानी फोर कंप्लीट राउंड्स लगाने हैं। तो फिर जंबो हाथी ने फिर से शेरी से पूछा कि शेरी, अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि चार राउंड कंप्लीट करने में घोड़ों को कुल कितना डिस्टेंस कवर करना होगा? शेरी ने कहा, ये तो बहुत आसान है। अगर हॉर्स एक कंप्लीट राउंड लेता है इस स्क्वायर फील्ड का, यानी इस चौकोर मैदान का, तो वो कवर करेगा एक राउंड में 300 मीटर जी, प्लस 300 मीटर, प्लस 300 मीटर एंड प्लस 300 मीटर। क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है, तो इसकी चारों साइड्स 300 मीटर्स की होंगी, यानी वन राउंड में वो कंप्लीट करेगा 1200 मीटर। और उसी तरह से क्योंकि इसको सारे हॉर्सेस को फोर कंप्लीट राउंड्स लगाने हैं, तो फोर राउंड में उनका टोटल डिस्टेंस हुआ 1200 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 राउंड्स हैं और एक राउंड में वो 1200 किलो मीटर्स कवर कर रहा है, तो यानी टोटल हो गया 4800 मीटर्स। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें, तो ये हो गया 4000 मीटर प्लस 800 मीटर्स, और 4000 मीटर्स को हम लिख सकते हैं 4 किलोमीटर्स एंड 800 मीटर। तो यानी जो हॉर्सेस की रेस थी वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस की थी, यानी 4 किलोमीटर 800 मीटर की रेस थी। इसके बाद रेस स्टार्ट हुई और सभी जानवरों ने बहुत ही इंजॉय किया इस रेस को, और सब खुशी खुशी अपने
घर चले गए। तो मैम कैसी लगी आपको स्टोरी? बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी और इससे हमें मैथ्स भी खेलना आया, हमें इससे शेप्स भी सीखने को मिले और हमें यूनिट्स तो सीखने को मिले ही मिले। मैम मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपने हमें किलोमीटर्स, मीटर्स और सेंटीमीटर्स के बारे में बताया, इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स होते हैं? बिल्कुल। तो जैसे इंचेस और फुट, बिल्कुल, तो जिसमें हम हाइट जनरली मेजर करते हैं, और सेंटीमीटर से छोटी और बड़ी भी कुछ और यूनिट्स होती हैं, जैसे मिलीमीटर हो गया या कुछ हो गया जी। बट अभी जो हम स्टैंडर्डाइज यूनिट क्लास फोर में बात कर रहे हैं, वो सिर्फ अभी तीन यूनिट्स की हम बात करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर्स। जैसे जैसे बच्चों आप अपनी आगे की क्लासेस में जाएंगे, आप अभी मेजरमेंट ऑफ लेंथ में बहुत सारी यूनिट्स आपके आप वाकिफ़ होंगे और उनके बारे में भी आप देखेंगे कि किस तरह से एक यूनिट का दूसरी यूनिट से क्या रिलेशन होता है। ओके ओके मैम, यूनिट्स के बारे में और कोई भी जानकारी आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी? बिल्कुल। अब जैसे आप अपनी हाइट है, अब जैसे मैंने अभी एक फर्स्ट एक्टिविटी में बताया था कि आप बच्चे अपनी हाइट्स जो है वो मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं और इसके अलावा आप फीट में भी नाप सकते हैं। आपने सुना होगा नॉर्मली कि लोग जनरली अपनी हाइट जो है वो फुट में बताते हैं कि मेरी हाइट 5 फुट है या 4 फुट है, और अगर हम रिलेशन की बात करें तो 5 फीट इक्वल होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 1.5 मीटर्स के, और 1.5 मीटर्स आपको पता है कितना होगा, कितने सेंटीमीटर में होगा, ये बच्चे आप खुद सोचिए और इसमें बता लगाइए कि वो कितने सेंटीमीटर्स का होगा। अगर किसी बंदे की हाइट 1.5 मीटर है तो उसको हम सेंटीमीटर में कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो ये बेसिक नॉलेज जब आपको आ जाएगी तो फिर इसके बाद आपको और यूनिट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। अभी क्योंकि फोर्थ स्टैंडर्ड है और आप आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने अपना पेन और पेपर रेडी रखा होगा, क्योंकि मैं भी साथ साथ में फिगर्स लिख रही थी, हर चीज़ कैलकुलेट करी थी और मैथ्स में हम हर चीज़ कैलकुलेट रखते हैं, तो आपको अपना पेन और पेपर हमेशा रेडी रखना चाहिए। मैम इज देयर एनीथिंग एल्स? अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। ये एक्टिविटी आपकी मैथ्स की बुक की एक वर्कशीट है, एक एक्टिविटी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म में कुछ डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर मेंशन है कुछ स्पोर्ट्स के नाम, जैसे कि हाई जंप और लॉन्ग जंप, और उसमें डेटा दिया हुआ है मेन और विमेन दोनों का, और इसके सामने यहाँ पर कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम है और यहाँ पर इंडियन रिकॉर्ड मेंशन किया हुआ है, यानी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में किसने कितना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और किसने कितना इंडियन रिकॉर्ड किसने बनाया है और कितना बनाया है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप बच्चे मेरी हेल्प करिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इस टेबल को देखकर। तो हम जरा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप? अगर हम यहाँ पर चंद्रपाल का रिकॉर्ड देखें तो वो है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि चंद्रपाल को कितना और सेंटीमीटर इंक्रीज करना चाहिए अपना जंप सो दैट वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के इक्वल हो जाए। अगर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड देखें तो ये जेवियर एस के नाम है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो यानी चंद्रपाल को अपनी जंप कितनी और इंक्रीज करनी पड़ेगी कि ताकि उनका जो स्कोर है वो बिल्कुल वर्ल्ड रिकॉर्ड के इक्वल हो जाए, यानी वो कितना और जंप करते तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम हो जाता। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो डिफरेंस है, 15 में से हम 7 माइनस करेंगे तो ये आएगा 8, यहाँ पर 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2, तो ये आंसर आया 28 सेंटीमीटर। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, तो यानी इसका आंसर हुआ 28 सेंटीमीटर। यानी अगर चंद्रपाल अपनी जंप को 28 सेंटीमीटर और इंक्रीज करते तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम होता। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स? अगर हम बॉबी ए का यहाँ पर देखें तो ये इंडियन रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, ये इनका रिकॉर्ड है
अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए उनकी उन्हें अपनी जो जंप है मेजर है उसको कितना और बढ़ाना पड़ेगा। तो मैम इस क्वेश्चन को हम बच्चों को एज अ होमवर्क दे देते हैं और हम उन्हें कैलकुलेट करने का मौका देंगे और अपने जवाब आपको पता है हमें भेजने हैं NCERT ऑफिशियल हमारे YouTube चैनल के ज़रिए उसके लाइव चैट बॉक्स में लिख के। तो ये है आपका आज का होमवर्क। हमारे पास और समय नहीं है और अगला कार्यक्रम भी हमें आप सभी के लिए लेकर आना है, तो इस कार्यक्रम को यहीं पर रैपअप करते हैं। आज हमने सीखा लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में, यूनिट्स के बारे में, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में और थोड़ा सा शेप्स के बारे में भी। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ ही मैथ्स का कार्यक्रम देखने के लिए। हमारे साथ ही रहिए, कहीं मत जाइएगा। छोटे से ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए एक खास कार्यक्रम वेबिनार ऑन ICT टूल, जिसमें हम बातचीत करेंगे जर्नी ऑफ अ नेशनल ICT अवॉर्डी और कौन होंगे वो और कैसी होगी उनकी जर्नी, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।